दोस्तों NTO 3.0 जो नया आ चुका है, जहां पे बातें की जा रही है कि आपका डेटा जो होगा दोस्तों, आपका जो DTH बिल जो होगा, मंथली DTH बिल, चैनल के प्राइसेस महंगे होते हुए नजर आएंगे। यहां पे ट्राई दोस्तों कुछ करने की बात करिए, कुछ फ्रेमवर्क दोस्तों यहां पे लेके आ रही है ब्रॉडकास्टर्स के लिए। टेरिफ कंसल्टेशन पेपर दोस्तों रिलीज किया जाएगा, जहां पे प्राइसिंग, मल्टी टीवी और आपकी जो NCF वगैरह, इसको कैपिंग किया जाएगा, बताया जाएगा कितना फिक्स यहां पे हो सकता है। तो कुछ अपडेट यहां पे है जो दोस्तों आपके चैनल को प्राइस को सस्ता करने के लिए यहां पे ट्राई कर सकता है, उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। प्लीज बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। मैं हूं आपका दोस्त नील शेखावत और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोनील। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं, ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये DTH और टेलीकॉम को दोनों को गवर्न करती है। NTO 3.0 दोस्तों लागू हो चुका है, जहां पे दोस्तों एनालिसिस बता रहे हैं यहां पे कि आपके DTH के बिल बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों सारी चीजों को सुनिश्चित करने के लिए ट्राई कुछ ना कुछ करता रहता है। और अब दोस्तों यहां पे ब्रॉडकास्टर्स टेरिफ कंसल्टेशन पेपर दोस्तों रिलीज करेगा, जहां पे सारे के सारे ब्रॉडकास्टर और स्टेक होल्डर्स, DTH ऑपरेटर्स हो या लोकल टीवी जो LCOs होते हैं दोस्तों, केबल ऑपरेटर, इन सभी से दोस्तों कुछ पूछा जाएगा और उन सभी की राय मांग के दोस्तों कुछ फ्रेमवर्क को रेडी किया जाएगा, स्पेसिफिक प्राइसिंग हो, सारी चीजों को देखा जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों, ट्राई फ्लोट ब्रॉडकास्ट टेरिफ कंसल्टेशन पेपर इन 4 to 6 पिक्स, मतलब आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर एक कंसल्टेशन पेपर दोस्तों यहां पे ट्राई जो फ्लोट करने वाला है, और कंसल्टेशन पेपर जो होगा दोस्तों इशू किया जाएगा, जहां पे ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर के दोस्तों सारी की सारी चीजों को यहां पे देखा जाएगा। कंसल्टेशन पेपर जो होगा दोस्तों, ये आने वाले 4 से 6 वीक यानी 1 से 1.5 महीने में आपको देखने को मिलेगा। और ये किसने बताया, जो ट्राई के एडवाइजर है दोस्तों ब्रॉडकास्टिंग एंड केबल सर्विसेज के, अनिल कुमार भारद्वाज, जी बता रहे कि हम यहां पे फ्लोट करने वाले हैं। कौन कौन सी चीजों को दोस्तों डिस्कस किया जाएगा यहाँ पे, खास करके सीलिंग प्राइस और नेटवर्क कैपेसिटी फीस। नेटवर्क कैपेसिटी फीस जो आपको 153 रुपये देनी पड़ती है हर महीने, इस पर सीलिंग प्राइस फिक्स की जाएगी कि इससे मैक्सिमम आप नहीं दे सकते या उस पर डिस्काउंट देना है, वो सारी चीजें देखी जाएगी, उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं। मल्टी टीवी कनेक्शन टैरिफ जो है, मल्टी टीवी यानी एक टीवी आपके पास एक कनेक्शन है उसके ऊपर और आप दूसरे तीसरे लेते हैं, इस कनेक्शन पर टैरिफ कितना होना चाहिए, कैरेज फीस कितनी होनी चाहिए, लेवल प्लेइंग फील्ड जो होगा दोस्तों रिगार्ड्स प्राइसिंग ऑन टीवी चैनल्स की प्राइसिंग क्या होनी चाहिए, सभी के लिए यूनिक होना चाहिए, कुछ ज्यादा बोलते ना कि सभी एक साथ काम कर सके, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, मतलब ये सारी चीजें दोस्तों मोस्टली, जैसे कि मैंने बताया कि मल्टी टीवी के अंदर दोस्तों टैरिफ देखे जाएंगे, कैरेज फीस को देखा जाएगा, चैनल प्राइसिंग को देखा जाएगा कितना मैक्सिमम कर सकते हैं, उसके साथ साथ खास करके जो नेटवर्क कैपेसिटी फीस, इस पर भी सीलिंग प्राइस को दोस्तों यहाँ पे ट्राई देख सकते हैं। तो ट्राई दोस्तों सारी चीजों को यहाँ पे देख रहा है, इसके साथ साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो पीरियड होगा चैनल का ये कितना हो सकता है, अगर कोई आपने पैकेज लिया तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड कितना हो सकता है चैनल्स का वो देखा जाएगा। टेलीवन चैनल्स के दोस्तों जेनर्स, लैंग्वेजेस वगैरह सब कुछ दोस्तों होगा, खास करके दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ जो फोकस करके DTH ऑपरेटर्स और जो होंगे दोस्तों यहाँ पे, उसके साथ साथ जो केबल ऑपरेटर है इनके लिए दोस्तों सारी चीज़ों को देखा जाएगा, उनके इंटरेस्ट को देखा जाएगा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए, सभी के लिए विन विन सिचुएशन यहाँ पे होनी चाहिए, फेयर प्ले यहाँ पे होना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे नहीं बताई कि चैनल प्राइजेस कम किए जाएंगे, ऐसा किया जाएगा। लेकिन दोस्तों NTO 3.0 जो आया है, इसमें अभी कुछ चीज़ें फ्रेम में की जाएगी कि ये इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, न जाना बहुत सारी चीज़ें, लेकिन उसके बावजूद भी चैनल की प्राइसिंग कम होंगे, फिलहाल ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर ट्राई कोई चमत्कार कर दे हो सकता है दोस्तों फिर पुराने दिन वापस लेके आ जाए, लेकिन फिलहाल दोस्तों ट्राई कुछ ना कुछ नई चीजें कर रहा है। फिलहाल एक नया फ्रेमवर्क रेडी करने के लिए कंसल्टेशन पेपर रखा जाएगा, जहां पे सारे स्टेक होल्डर से पूछा जाएगा प्राइसिंग के बारे में, मल्टी टीवी के बारे में, नेटवर्क कैपेसिटी इसके बारे में, क्या आप फिक्स कर सकते हैं, कितना प्राइसिंग सही रहेगा, ये सारी चीजें करने के बाद सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिससे शायद आपके DTH के बिल कम हो जाए, जिसके चांसेस मुझे तो फिलहाल बहुत कम लग रहे हैं। ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, थम्स अप जरूर देते हैं, आपके भाई का चैनल है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए शायद दोस्तों के साथ उन्हें लिफिन अच्छा लगेगा, पहली बार हमारे चैनल पर पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, इस लाल कलर के बटन को जल्दी से दबा के हमारे VIP मेंबर बन जाइए, क्योंकि हम 2 लाख सब्सक्राइबर के पास पहुंच रहे हैं, तो दबा दीजिए। इसके पास दिखिएगा घंटे का बटन, उसको भी जरूर दबा देना, उसको दबाने से जब भी मैं नया वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड करूंगा आप देख सकेंगे मेरा नया वीडियो, तो प्लीज़ इस घंटे के बटन को जरूर दबा देना। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर तो बनता है, उसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। आज के लिए इतना, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई बड़ी अपडेट के साथ, तब तक वॉच, केयर ऑलवेज, कीप स्माइलिंग।